असलम वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे हम भी अलमदुल्ल ठीक ठाक हैं यहाँ में बना रही थी आलू के पराठे और उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू को बॉईल किया उनको मैश किया और साथ ही मैंने इसमें यशवा और किस्वा के लिए सेपरेट करके रख दिया है क्योंकि इनको मैं बगैर स्पाइसी दूंगी मतलब सिर्फ नमक ऐड करूंगी तो कुछ भी नहीं और इनको इस तरह से बना के दूंगी पराठा अच्छा तो यहाँ मैंने अब डाल दिया है सॉल्ट हल्दी और रेड चिली पाउडर अनियन ग्रीन चिलीज कोरिएंडर तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं क्योंकि आलू होते हैं बादी तो आप लोग अजवाइन डालेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा अच्छा अब इसको अच्छे से मैश करके इसको हम रख देंगे एक साइड पर और फिर आ जाते हैं अपने आ, मतलब आटा वगैरह गूँधूँगी फिर क्योंकि हमें ना इसको ठंडा करके ही बनाना होता है ताकि फिर अगर आप गर्म गर्म इसको बनाएंगे ना क्योंकि आलू गर्म नहीं होने चाहिए ठंडे होने चाहिए गर्म रहेंगे तो फिर वो फट जाएगा आपका पराठा तो दे, देखें यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अंदर स्टफिंग कर दी है और ज़्यादा सारा आलू हमें भरना है इसके अंदर ताकि जो है पराठे में ना आलू आलू का बहुत अच्छा सा टेस्ट आए तो भरे भरे जो है ना लू अच्छे लगते हैं पराठे के अंदर तो जी यहाँ पर हो चुका है अब मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर दिया है यश और किस्म के लिए जो सेपरेट किया था इसके बाद बस मैं जो है इनको फ्राई करती दी जाऊँगी पहले मैं क्या करती हूँ सारे पेड़ों में ना स्टफिंग भर के एक साइड पर रखती जाती हूँ फिर वन बाई वन सबको को बेल कर और फिर इनको मैं फ्राई करते जाती हूँ तो यहाँ पर अभी मैंने सारे पेड़े बना लिए थे और अब बस मुझे जो है फ्राई करना इस तरह से क्या होता है कि मैं घर वालों को कह देती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी फ़्राई करी और आप लोग जल्दी जल्दी से खाएँ क्योंकि गर्म गर्म पराठों का मज़ा आता है ठंडे पराठे अच्छे ही नहीं लगते बिल्कुल भी तो यहाँ मैं हस्बैंड को भी दे रही थी तो मैंने इनको अचार निकाल के दिया साथ में क्योंकि हमारे मेरे जो ससुराल में ना अचार से ज़्यादा पसंद करते हैं तो जी यहाँ पर मैंने इनको अचार दे दिया था साथ में और इसके बाद में यहाँ पर बनाती जाऊँगी और फिर खाते जाएंगे सब तो देखें आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या आप लोगों को आलू के पराठे पसंद हैं मतलब सबको पसंद होते हैं आलू के पराठे किसको पसंद नहीं होंगे हर किसी को पसंद होते हैं बहुत कम लोग होंगे कि जिनको पसंद ना हो पराठे वगैरह ना आलू का पराठा तो यार अच्छा होता है मतलब सबको पसंद होता होगा मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सबके बनाने के बाद एंड में मैंने अपना लास्ट वाला मैंने बनाया अपने लिए और यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि देखें कितना अच्छा इसका था अंदर से स्टफिंग अच्छे से पूरे पराठे में एक जैसे स्प्रेड हुई हुई थी तो जी मैंने फिर अपना जो था खाना भी खा लिया था और उसके बाद में अब यहाँ करने लग गई थी कि सॉरी यशवा के कपड़े प्रेस क्योंकि फिर मुझे यशफा को देना था बाग तो फिर मैंने कहा कि आज मैं यशफा को ये वाली फ़्रॉक पहना देती हूँ और साथ ही ना इसके साथ ना कोई ट्राउज़र वग़ैरह नहीं था तो फिर मैं जब कुछ नहीं होता तो मैं कोई जीन्स कोई टाइट्स वगैरह जो है मैं पहना देती हूँ तो फिर मैंने इसके लिए ये जो है जीन्स निकाल दी थी तो फिर बस वो निकालूंगी साथ में मैंने अपने कपड़े भी प्रेस किए थे लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जी जब मैं ये यशफा के कपड़े प्रेस कर रही थी ना तो किस्वा तो बराबर में ही बैठ के थे ना रो रही थी तो फिर मैंने अपनी वीडियो तो बनाई नहीं थी और बस फिर जल्दी जल्दी से प्रेस कर लिए थे अच्छा जी तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी रात का डिनर तो ड्रैन में बनाया था जी मैंने कड़ी और कड़ी के लिए जो है मैंने सारा काम करके रख दिया था वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी कि किसी और ब्लॉग में कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो अभी बस यहाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ और यहाँ आलू वाले पकौड़े में बना रही थी किस यशवा के लिए तो क्योंकि ना जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना तो मैं घर वालों के लिए सेपरेटली खाने के लिए अलग से बनाती हूँ तो ताकि जो है ना घर वाले थोड़ा सा पकौड़े वग़ैरह खा लें और कभी मैं मिर्ची के फ्राई कर देती हूँ मिर्चियों के कभी मैं जो है आलू के बना देती हूँ तो अभी मैंने आलू के बनाए थे और साथ ही फिर ये कड़ी वाले भी बनाए थे तो बस इसके अंदर मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो डाली पकौड़ों के अंदर बना दिए तो जी मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज और हरा धनिया हरी मिर्चें और साथ में लाल कुटी मिर्चें हल्दी पाउडर नमक जीरा ये डालकर बस इसको बना लूँगी अच्छा कड़ी अभी यहाँ पर तैयार नहीं हुई है ये बहुत पतली है लेकिन जब तक कि मैं पकौड़े फ़्राई किए थे ना तो ये पक पक के उतनी थिकनेस इसकी अंदर आ गई थी जितनी कि हमें चाहिए थी तो यहाँ पर अभी कड़ी एक चूल्हे पे पक रही है दूसरे पे पकोड़े जो हैं हैं हमारे वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को कड़ी राइस के साथ पसंद है रोटी के साथ पसंद है या पराठों के साथ पसंद है मुझे तो मोस्टली राइस के साथ ही पसंद है और एक बात और कि मुझे जो है ना कड़ी अच्छी लगती है मतलब जिस टाइम ना मुझे उस टाइम नहीं लगती है ना वो वाली कड़ी पता नहीं क्यों मुझे कि उसमें ज़्यादा खटास है वो थोड़ी ज़्यादा खट्टी हो गई है तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे और आप लोग भी बताइएगा कि बासी कड़ी आप लोगों को अच्छी लगती है कि ताज़ी ताज़ी तो अगले दिन मैं जब फिर पता है क्या करती हूँ मैं ना चावल बना लेती हूँ उसके साथ जैसे जब जिस टाइम मैं बनाती हूँ ना तो उस टाइम तो मैं रोटियां बनाती हूँ लेकिन अगले दिन ज़रूर बच जाती है नेबर्स वग़ैरह में भेजने के बाद बावजूद भी बच जाती है तो फिर जो है हम लोग ना फिर राइस बना देती हूँ मैं अगले दिन तो जी यहाँ पर आपसे बात हुई बातों में मैंने पकौड़े फ्राई भी कर लिए और मैंने इसके अंदर दाल भी दी और साथ ही मैंने तड़का भी दे दिया है गोल लाल सुरख मिर्च का दिया था ज़ीरे का दिया था और करी पत्ते का साथ में मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया और प्याज भी डाले थे थोड़े से तो बस यहाँ पर तड़का हमारा हो गया है और ये है इसकी फाइनल लोग तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है कड़ी आप लोगों को तो जी यहाँ पर हमारा डिनर रेडी हो चुका है फिर जब मैं सारे काम वगैरह करके कुकिंग करके रूम में आई ना तो टाइम हो रहा था ये मतलब कि नौ बज कर दस मिनट होने वाले थे तो मैंने जो है डिनर वगैरह रेडी कर दिया था किचन क्लीन कर दिया था उसके बाद जी हम लोग चले गए थे मेरी सिस्टर इन लोग के घर क्योंकि उनकी बर्थडे थी तो फिर हम उनके लिए केक वग़ैरह लेकर चले गए थे फिर उन्होंने हमारे सामने जो है ये रिफ़्रेशमेंट जो चीज़ें थी वो लगा दी थी तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अला हाफिज़